आज वर्चुअल रैली में, जिस वर्चुअल रैली का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज ये आयोजित है और इसमें उपस्थित हम सबके वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हमारे भाई माननीय शिवराज सिंह चौहान का पूरे छत्तीसगढ़ के 2,60,00,000 जनता की ओर से स्वागत करता हूं। माननीय डॉक्टर अनिल जैन, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रभारी, उनका मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, माननीय सुश्री डॉक्टर सरोज पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, माननीय रामविचार नेताम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, राज्यसभा के सांसद, माननीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, राजेश मुड़ा जी, समन्नी जी, दीपक जी, इस पूरे वर्चुअल रैली को छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लाखों कार्यकर्ता जो आज इस आयोजन में उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं। सभी पत्रकार बंधु जो यहां और पूरे देश में इस वर्चुअल रैली को देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज ये अवसर हम सब के लिए आया है कि उन उपलब्धियों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक नया इतिहास रचा, 14 से 19 और 19 का जो आधार बना, और 19 में जब दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनी तो अपने आप में एक कीर्तिमान था कि दशकों बाद किसी केंद्र में लगातार पूर्ण बहुमत से सरकार बना, तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है। और उस दौर में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को लेकर अंत्योदय की कल्पना को साकार करते हुए उस उन कामों को जिसकी कल्पना कोई नहीं करता था, जो दशियों और सदियों से जिसका इंतजार कर रहा था ये देश, बड़ी आशा और बड़ी आकांक्षाओं के साथ, बड़े सपने लेकर, और एक साल का ये कार्यकाल उन बड़े सपनों को मूर्त रूप देने का है, सपने का साकार करने का था, क्रियान्वयन का था। एक नया इतिहास लिखा गया जो आने वाले सदियों तक याद किया जाएगा। ऐसे बड़े काम अनुच्छेद 370, 35 ए, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, 3 तलाक, लद्दाख को अलग से केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित करना, और इसके साथ ही साथ इस कोरोना के युद्ध में 20 लाख करोड़ का पैकेज, 1,70,000 करोड़ का गरीब पैकेज, इन विषयों को मैं नहीं लूंगा, इस विषयों पे बात करेंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कि क्या क्या बड़े कदम उठाए गए। मगर मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय आज देश दुनिया का एक सशक्त देश के रूप में उभरा है, और मैं आज इस अवसर पे हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनका ये यशस्वी कार्यकाल, जो एक साल का हिसाब देने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, 25 लाख घरों तक हम जाएंगे, मेरा एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव के बूथ बूथ तक जाएगा और वहां जाकर माननीय मोदी जी के उन उपलब्धियों को गिनाएगा। उपलब्धियां माननीय इस एक साल की और 6 साल की माननीय शिवराज जी बताएंगे। मैं तो बताना चाहूंगा इस 18 महीने की सरकार जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों को छला है, ठगा है, और झूठ के बुनियाद पे कोई सरकार खड़ी होती है। मेरा एक कार्यकर्ता जानता है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से, एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेके कसम खाने वाले ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सभी मंत्रीगण और कार्यकर्ता इस बात का जवाब देंगे। हम न केवल केंद्र सरकार की उपलब्धि को बताने जाएंगे बल्कि इस बात का भी जिक्र करेंगे इस सरकार ने 18 महीने में छत्तीसगढ़ के क्या हालात किए। सारे विकास के काम ठप हो गए, सारे विकास काम 18 महीने से एक ईंट नहीं रखा गया। 18 महीने का कार्यकाल, आज लोग इस बात की चिंता करते हैं कि आगे क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। जिस कांग्रेस की सरकार ने हमारी माता और बहनों के सामने खड़े होकर
गंगा जल हाथ में लेके कसम खाया था कि शराब बंदी करेंगे, शराब बंदी तो नहीं किया, गली गली में शराब बिक रहा है, घर पहुंच शराब की व्यवस्था यदि किसी राज्य में है तो अकेले छत्तीसगढ़ में है, जहां घर पे शराब पहुंचाई जा रही है अवैध रूप से, शराब शराब के भट्टे में सरकारी शराब दुकान में 30% अवैध शराब बिक रहा है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नवीकों के साथ छल किया, जन घोषणा पत्र जारी किया इन्होंने, जन घोषणा पत्र में झूठ बोला और जन घोषणा पत्र में कहा कि नवीकों को 5 लाख नवीकों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज नवयुवक इंतजार कर रहा है बेरोजगारी भत्ता के लिए, 5 लाख नहीं, 5 नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, नौकरी के सारे अवसर समाप्त कर दिए, पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट आने वाला था निरस्त कर दिया गया, 60,000 लोगों ने पुलिस भर्ती के लिए एप्लीकेशन दिया था, उनका फिजिकल हो गया था, रिटर्न हो गया था, उसके बाद उसको निरस्त किया गया। 4,890 शिक्षकों की भर्ती, जो बीए एमफिल एमए किए हुए बच्चे थे उनका भी रिजल्ट आने वाला था, उस भर्ती को निरस्त किया गया, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पुलिस के क्षेत्र में जितनी भर्ती निकली थी उन सब को निरस्त करने का काम इस सरकार ने किया है। रोजगार कितना दिया है, मेरा छत्तीसगढ़ का नवयुवक पूछता है कितने लोगों को रोजगार दिया हो भूपेश बघेल जी, उनका जवाब आता है 1800 लोगों को रोजगार दिए हैं। 1800 लोगों को रोजगार कैसे दिए हैं, शराब भट्टी में घर पहुंच शराब पहुंचाने का काम 1800 लोगों को दिए हैं, ये शर्म की बात है। राष्ट्रीय स्तर में जब इसकी चर्चा होगी कि नवयुवकों को इस काम में लगाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, ये हालात छत्तीसगढ़ में क्यों बनाया गया, रेत के माफिया गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य को धमतरी को इतना मारा गया कि आज तक हॉस्पिटल में है, उत्तर प्रदेश बिहार से दूसरे राज्यों से गुंडा के हाथ पर रेत का पूरा पूरा खदान दे गया है, सिर्फ माफिया राज चल रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले मुकदमे सजा लगाए जा रहे हैं और एक प्रकार से भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है, ट्रांसफर उद्योग किया जा रहा है। अभी तक कहा जाता था मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए पेमेंट शीट हमने सुना था, पहली बार देखा कलेक्टर और एसपी के पोस्टिंग के लिए पेमेंट शीट की चर्चा गली गली में हो रही है, ऐसा ऐसी गिरावट प्रशासन में आज तक नहीं देखा था जो हालत थी। 5 लाख मजदूर आ गए सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री का बयान था 5 लाख मजदूर आ गए, भैया मुख्यमंत्री ये बताओ कि 5 लाख मजदूरों में से तुमने कितने को लाया, यहां तो 4500 ट्रेन चला दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तुमने कितने लोगों को लाया, सिर्फ 30,000 लोग ट्रेन से आए, 30,000 सरकारी आंकड़े है, 30,000 यानी 4,30,000 लोग अपने साधन से आए, बस से आए, दूसरे साधन से आए, पैदल आए, साइकिल में आए। आज वो मजदूरों की हालत क्या है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं समाचार पढ़ता हूँ मजदूरों के लिए ये बात आती है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए दवाई के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके पैसे के लिए जहाँ थे उनके खातों में 1,000, 1,500, 2,000 रुपये डाले गए। छत्तीसगढ़ ने आज तक जो हमारे 5 लाख मजदूर थे उनके खाते में आज तक 1 रुपया नहीं डाला, पैसा डाला ही नहीं, यानी मजदूरों को भटकने के लिए छोड़ दिया गया और आज हमारे यहाँ ये हालत है। छत्तीसगढ़ के हालात ये है कि मजदूर जो आए उनको जो क्वारंटाइन सेंटर में ले रखा गया सरपंच के भरोसे छोड़ दिया गया, पंचायत के भरोसे छोड़ दिया, कोटवार उसकी निगरानी कर रहा है और ये हालत हो रहा है कि हिंदुस्तान में शायद किसी राज्य में हुआ होगा कि क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो रही है, लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, 2 लोगों को सांप के काटने से मौत हो गई, 12 लोगों की मौत हो गई है, वो क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, वो यातना गृह के रूप में बदल गया है क्वारंटाइन सेंटर की हालत, ना वहाँ खाने की अच्छी व्यवस्था, ना उनके लिए रुकने की व्यवस्था, उनकी ना कोई व्यवस्था की गई है, वो अपने घर से खाना बुलवा के खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, ये हालत आज इस स्थिति में पहुंची है। इनके लिए आज जो मैं बोल रहा था इन्होंने कसम खाया था, बड़े बड़े कसम खाए थे, 2 साल का बोनस किसानों को देने की बात हुई थी,
दो साल का बोनस आज तक ये कांग्रेस की सरकार भूल गई है कि उन्हें बोनस भी देना था, दो साल का बोनस नहीं दिया गया है। 2500 में धान खरीदी की बात हुई थी, आज तक 1800 रुपये के बाद एक किस्त दिया गया है, ना जाने कितने 6 महीने साल भर के बाद ये 2500 रुपये का मिलेगा। एक एक दाना धान खरीदने के बाद कहने वाले भूपेश बघेल ने किसानों के दाना दाना धान खरीदने के लिए तरसा दिया। किसान को ये हालत हुई, किसान को लगने लगा कि उसने धान यदि पैदा कर लिया है तो उसने अपराध कर लिया, अपराध की स्थिति बनी है। और इस पूरे प्रदेश की हालत जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, इनके मैंने हिसाब पूछा, आज तक विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। मैंने कहा कितना खर्चा किया गया है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे का हिसाब इनके पास कमी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो इनको अनुमति दी थी उस अनुमति के आधार पे इनके पास पर्याप्त पैसे हैं। जो पैसे इनको DMF में मिलते, 600 करोड़ रुपया DMF में इनको प्राप्त हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा आप खर्च कर सकते हैं मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पैसा जो इनके खाते में जमा है 500 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी और कह दिया था कि उस राशि का उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है, ना उसका उपयोग किए। 600-700 करोड़ रुपया इनको जो मिला अलग अलग योजनाओं में मिला, उन योजनाओं में जो आपदा प्रबंधन का फंड है उस आपदा प्रबंधन के लिए जो पैसा मिला उसमें भी उसका उपयोग करना था। ये करीब करीब 1800 करोड़ रुपया इनके पास जमा होने के बाद भी एक भी क्वारंटाइन सेंटर को सरकार ने कोई मदद नहीं किया, ना निःशुल्क मास्क बांटे। ये हालत है मेडिकल कॉलेज की। यदि एम्स जैसा इंस्टीट्यूट, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुषमा जी को कि छत्तीसगढ़ में एम्स की स्थापना कर दी। आज सारे मरीजों का टेस्ट और जांच यदि हो रहा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है। यदि ये संस्थान नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार की हालत ये है कि यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। यदि मरीज और उसका जाँच हो रहा है, उसके सिम्टम्स आ गए हैं, उसको जांच करना है तो 12 दिन 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आती है। 12 दिन तक ना जाने कितने लोगों को कोरोना से प्रभावित कर देता है। और इनकी इस हालत के साथ साथ मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आज छत्तीसगढ़ के हालात खराब हैं, मगर मैं इस आज के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता बस्तर से लेकर सरगुजा तक संगठित होकर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। और केंद्र को भी हम ये कहेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार के एक एक विषय को लेकर, जितने बिंदु डेवलपमेंट के हैं उस सारे विषय को लेकर एक एक गाँव में गली गली में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये सरकार और इस सरकार की उपलब्धियां क्या रही है। आज के इस अवसर पे मैं सभी कार्यकर्ताओं को जो लाखों की संख्या में जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश के साथी बहुत सारे मेरे दिख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। वर्चुअल रैली में आप उपस्थित हुए।